जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी, और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेस, और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी उन लोगों को, उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। गरीबों को कैसे फायदा होने वाला है? गरीबों को उसी कीमत पे जो जो ट्रेन है, कोई कीमत नहीं, तो भारतीय रेल अपनी ट्रेन चला रही है 95%, उसका किराया भी सेम रहेगा, उसी कीमत पे एक अच्छी सुविधा मिलेगी, और उनको बिना वेटिंग लिस्ट किए हुए, बिना क्रैम्प हुए एक रिजर्व कंपार्टमेंट मिलेगा, उसमें मिलेगा। जो कॉमन मैन है उनको ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, ज्यादा ट्रेनें मिलने वाली है, और उनका कोई किराया नहीं बढ़ने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहां तक जो एक दो बातें कही जा रही हैं वो उसका कोई बेसिस नहीं है कि रेलवे के जॉब कम हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे के जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन मैन है उनको और सुविधा मिलने वाली है, और जो उसका कॉमन मैन की जो ट्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवे चला पाएगी और ज्यादा, और उसका जो भी किराया है रेलवे फिक्स करेगी, और जो कॉमन मैन है उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधा और ज्यादा ट्रेनें मिलेंगी।